वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत जन ने मुझे रिक्वेस्ट करके बोला है कि मैम आप प्लीज ड्राई स्किन के लिए हमें कुछ बताइए, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए ड्राई स्किन से। मुझे इचीनेस होता है, ब्लीडिंग होता है, सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई कर लिए, लोशंस ट्राई कर लिए, हाई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, पर आज तक कुछ भी उतना ज्यादा वर्क नहीं किया है। तो आप कोई चीज का फरमाइश करें और मैं पूरा ना करूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूं बहुत ही अमेजिंग और सुपर इजी बॉडी स्क्रब, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको गारंटी देती हूं कि ये बॉडी स्क्रब को यूज करने के बाद में आपकी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले ये बॉडी स्क्रब को यूज ना करें। ये बॉडी स्क्रब बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में, और मैं अपना हर ब्यूटी वीडियोस को ना काफी सिंपल रखती हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है वो सारे आपको घर पे इजीली मिल जाए, आपको मार्केट भी जाना ना पड़े। तो ये जो बॉडी स्क्रब में है हम बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे और आपको सारे सामान घर पे इजीली मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं ड्राई स्किन के बारे में कि ये जो ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है। तो ड्राई स्किन होने के काफी रीजंस होते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीजन होता है लैक ऑफ हाइड्रेशन। अगर आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो आपको 100% ड्राई स्किन के प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि जब आपका बॉडी ही हाइड्रेटेड नहीं है तो स्किन आपका कहाँ से हाइड्रेटेड होगा, राइट? तो इसके लिए आपको दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पीना है, जिससे आपका बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगा, स्किन में भी ग्लो आएगा, ड्राई स्किन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इनफैक्ट आपके सारे स्किन के जो भी इश्यूज हैं सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आप दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी आप पीते हो तो। दूसरा रीजन होता है अवॉइड यूजिंग हार्श प्रोडक्ट्स। अगर आप बहुत ही ज्यादा अपने स्किन में केमिकल प्रोडक्ट्स, हार्श प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो वो सबसे भी आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश कीजिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, लेकिन केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा रीजन होता है सीजनल, जैसे कि विंटर में सभी को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को बेसी होता है, लेकिन ड्राई स्किन का प्रॉब्लम विंटर में सभी को होता है। लास्ट रीजन है जो कि बहुत ही कम जन को पता होता है और वो होता है ओवर बाथिंग। हमें बहुत देर तक बाथ नहीं लेना चाहिए, बहुत देर तक बाथ लेने से भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है। हम रिलैक्स होके, चिल होके, आराम से हम बाथ लेते रहते हैं, आपको तो मजा आ रहा है लेकिन आपके स्किन को मजा नहीं आता है। हमारे स्किन के लिए ओवर बाथिंग बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इसीलिए हमें ओवर बाथिंग नहीं करना है। ये सब के अलावा अगर कोई भी टाइप का आपको स्किन डिजीज है जिससे आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही, तो उसके लिए आप कोई अच्छा स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये थे कुछ रीजंस जिससे आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है। और आज के वीडियो में मैं आपसे जो बॉडी स्क्रब के बारे में शेयर करने वाली हूँ वो आपके बॉडी को नरिश रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा और स्किन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ग्लो भी देगा। तो आपको भी अगर ये बॉडी स्क्रब के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बॉडी स्क्रब को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 टेबलस्पून ओट्स फ्लावर। ओट्स को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और मैंने यहाँ पे प्लेन ओट्स लिया है। उसके बाद हमें लेना है 4 टेबलस्पून शुगर, आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं वाइट शुगर की जगह। उसके बाद हमें लेना है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन वर्जिन होना चाहिए। और लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है 7 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं लेकिन प्योर होना चाहिए। बाद हमें कोई भी एक बाउल ले लेना है बॉडी स्क्रब को बनाने के लिए। और उसके बाद हमें लेना है कोई भी एक एयरटाइट कंटेनर जिसमें हम अपने बॉडी स्क्रब को स्टोर करके रखेंगे।
अब हम बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। ओट्स फ्लावर, ओट्स फ्लावर बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर और मॉइस्चराइजर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर, शुगर भी बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाता है। गाइस हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं ना, सारे ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ओट्स फ्लावर, शुगर, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब ये बॉडी स्क्रब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ये बॉडी स्क्रब को एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे और आप ये बॉडी स्क्रब को आराम से 2 मंथ्स तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको इसे यूज करना हो, आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप निकाल लीजिए और आप इसे सारे बॉडी स्क्रब को एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब हम इसे बॉडी पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपना बॉडी को वेट कर लेना है और वेट करने के बाद में ये स्क्रब को आपको पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है। जैसे आप सोप यूज करते हो ना, बस वैसे ही आपको ये स्क्रब को यूज करना है। इसे रखने का भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और गाइस ये बॉडी स्क्रब को यूज करने के बाद में कोई भी टाइप का सोप आपको यूज नहीं करना है। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है रिंस करने के बाद में। पूरे बॉडी में लगाने के बाद में आपको अच्छे से रिंस कर लेना है अपने बॉडी को। आप खुद ही नोटिस करेंगे आपकी स्किन की सारी ड्राइनेस खत्म हो गई है, आपका स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है और लोशन लगाने का भी जरूरत नहीं लगता है ये स्क्रब को यूज करने के बाद में। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का पिक दिखाती हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट एक्चुअली पता चले। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का पिक में कितना डिफरेंस है। मेरे स्किन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लो आया है। मेरा स्किन मुझे बहुत ही ज्यादा नरिश्ड और मॉइस्चराइज भी लग रहा है। ये जो बॉडी स्क्रब है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसे डेली भी यूज कर सकते हो या वीक में 3 बार भी आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसे आप एक बार जरूर यूज करके देखो। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये बॉडी स्क्रब का क्या रिजल्ट मिला मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरे वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं या आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आप ही के पास आए। तो मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।